हेलो, क्या खड़ा नहीं हो रहा? दवाई दी तो थी, दिन में 2 बार दूध के साथ और रात को केले के साथ। केला लेना नहीं है, केला खाना है। अगर केला ले लिया ना तो ना तो केला खाने लायक रहेगा और ना ही गांड देने लायक रहेगी। 2 दिन बाद आके दिखा जाना। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार। नेक्स्ट आओ, बैठो। भाई साहब बताओ क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब, मेरा थोड़ा छोटा है। क्या? मेरा थोड़ा छोटा है। तो इसमें धीरे बोलने वाली क्या बात है? छोटा है तो है। अच्छा बताओ कितना छोटा है? इतना इतना तो तुम ही बता दो कितना छोटा है। इतना? अच्छा, पीनट साइज है। ये लो जापानी तेल, सुबह शाम 2 बार लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर दिन में 6 बार लगा लूं तो? अबे इससे क्या फांसी लगाएगा, जितनी बार बोला उतनी बार लगा ले, वरना छोटे का इलाज है, बड़े का इलाज नहीं है। और पैसे बार कंपाउंडर को देके जाना। नेक्स्ट। ओ बहनचोद, ये क्या है? बस बोर खोदने निकला है क्या? और ये 8 बजे हुआ कैसे? डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते दवाई लेके गया था आपसे। हाँ याद आया, याद आया। तुम तो वही हो ना, पीतल की टोटी वाले। तो ये सरकारी नल का किसने बना दिया? दवाई तो मैंने सही दी थी। अरे डॉक्टर साहब, हुआ ये कि मुझे लगा 2 गोली काम करे ना करे, तो मैंने 4 खा ली। बहनचोद, एमए इंग्लैंड पे भरोसा नहीं है तुम्हें? मेरा मतलब एमए करिए लंदन से, लंड के ऊपर। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? डॉक्टर साहब बचा लो, बहुत बड़ी गलती हो गई, वरना मेरा डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स? वो तो तुम्हारी बीवी अच्छी है जो डिवोर्स दे रही है। कोई और होती तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगवा देती और तुम्हारे साथ साथ मैं भी जेल जाता। पहन के लोड़ो, अपने साथ साथ मुझे मरवाओगे? निकल यहाँ से। डॉक्टर साहब बचा लो, मेरी बीवी चाकू लेके मेरे पीछे पड़ी है। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसे ये नहीं बताया कि इस हथियार को बनाने की दवाई आपने दी है, वरना वो मेरे साथ साथ आपको भी नहीं छोड़ेगी। ओ बहन चो, मुझे ही मरवाएगा? ये दवाई ले और निकल। और सुन, 2 ही गोली खाइयो, वरना ढूंढने के लिए भी 2 आदमी लगेंगे। बहन के लोड़े, मुझे ही मरवाएंगे और साथ साथ क्लिनिक भी बंद करवाएंगे। नेक्स्ट। ताऊ तुम गलत क्लिनिक में आ गए, खांसी की दवाई बगल वाला डॉक्टर देता है। अरे खांसी हो मेरे कुत्तों को, तू तो मुझे दवाई दे दे इसकी। ताऊ, जिस उम्र में भगवान का नाम लेना चाहिए उस उम्र में कैसे शौक पाल रखे तुमने? बेटा शौक तो बस 2 ही हैं, एक इसका और एक इसका। तो दवाई दे दे इसकी, रॉकेट की। तेरी ताई की आज रेल बना दूंगा। ताऊ दवाई तो मैं दे दूं, पर च्यवनप्राश खाने की उम्र में जो चमड़ी का शौक तुमने पाल रखा ना, ठीक नहीं है। करते करते अगर हार्ट अटैक आ गया तो हॉस्पिटल भी नंगे ले जाना पड़ेगा। बेटा जवानी में बहुत शिकार करे मैंने। ताऊ खून? खून नहीं है बेटा, कल रात को पान खा लिया था। ताऊ पान रात को नाक से? ताऊ चूतिया बैठे हैं ना हम तो यहाँ। क्या बेटा? कुछ नहीं ताऊ, ये लो साइन करो। ये क्या है ताऊ? ये कॉन्ट्रैक्ट है तुम जैसे स्पेशल ठगी बुड्ढों के लिए। इसमें लिखा है अगर दवाई खाने के बाद कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। हे भगवान, तुम ही बचाओ ऐसे लोगों से। तो नेक्स्ट। आओ बैठो, बताओ क्या परेशानी है? डॉक्टर बैठने में तो परेशानी है। बेटा थोड़ा फटाफट बताओ, क्लिनिक बंद करने का टाइम हो रहा है। डॉक्टर साहब फटी तो गई है। क्या? हाँ डॉक्टर साहब, बहुत खून आ रहा है और दर्द भी बहुत हो रहा है। तो बेटा गांड मरवाने को किसने कहा था? और भी बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, मानता हूँ मजा तो तुम्हें भी आया होगा, पर ये कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का। अरे डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो, ऐसे काम नहीं करता मैं, वसीर है मुझे। ओ सॉरी बेटा सॉरी। अच्छा बताओ दर्द कब से हो रहा है? जब से खून आ रहा है। और खून कब से आ रहा है? जब से दर्द हो रहा है। बेटा दोनों बताओ, दोनों कब से आ रहा है? 3 दिन से। बेटा बहुत टाइम लगा दिया आने में,
कहाँ से आए हो? डॉक्टर साहब आपके पीछे वाली गली में तो रहता हूँ। तो 3 दिन कैसे लग गए? गांड रगड़ रगड़ के भी आते तब भी 1.5-2 घंटे में आ जाते। डॉक्टर साहब जब ज़्यादा खून आया तो मैंने सोचा दिखा देता हूँ जाके। अच्छा, तो मतलब गांड फटने का इंतजार कर रहे थे, थोड़ा पहले आ जाते तो दवाई भी कम लगती और दर्द भी कम होता। डॉक्टर साहब आप बस दवाई दे दो, दर्द सहन नहीं हो रहा और ऐसा लग रहा थोड़ा खून सा निकल रहा। ये दवाई ले और निकल, और सुन एक बूंद भी अगर टपकी तो गांड से पोछा लगवा दूं। कंपाउंडर की आवाज कैसी आ रही है बाहर? सर वो ताऊ दवाई लेके गए थे ना, वो निपट लिए।